क्या आप भी लीन हो जाते हैं संसार के गीतों में, अर्थात बॉलीवुड के गीतों में, पंजाबी गीतों में और हिंदी गीतों में जो संसार के द्वारा पैदा किए गए हैं? क्या आप भी संसारिक सिंगरों के फैन हैं? क्या आप जब पब्लिक में जाते हैं किसी पार्टी में, मैरिज में, तो क्या आप डीजे को देखकर रुक नहीं पाते हैं? और एक मसीही होने के नाते आप ये गलत कर रहे हैं। हो सकता है आपको इसकी नॉलेज ना हो, पर आज ये वीडियो के द्वारा आप जानेंगे। उपदेशक 7:5 में लिखा है, मूर्ख के गीत सुनने से बुद्धिमान की गुटकी सुनना उत्तम है। मतलब अगर आप किसी का पंजाबी सॉन्ग या बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, उससे अच्छा है कि धर्मी जन आपको डांटे। बाइबल में यीशु मसीह ने भी एक उदाहरण दे के कहा था कि हमारा हृदय है जो, वो एक जमीन की तरह है। जैसा बीज हम इसमें बोएंगे, वैसा ही फल काटेंगे। अगर आज हम आशिकी के, लड़ाई के और दारू पीने के सॉन्ग्स सुन रहे हैं, तो एक दिन हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। इससे अच्छा है कि हम संसार के गीत सुनने बंद करें और परमेश्वर में मगन रहें, क्योंकि बाइबल में आपसियों की किताब 5:19 में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और आखिर में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गूढ़ा करें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।